हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट ईयर के पेपर अपलोड करूंगा, अभी मैं आपके लिए 2022 का पेपर अपलोड कर रहा हूं, 2021 का भी और 2019 का भी अपलोड करूंगा। देखिए, 2022 में 9th और 10th के लिए S1 एग्जाम्स दो पेपर्स थे, लेकिन सिलेबस सेम था। अभी भी सिलेबस सेम है, लेकिन सिंगल पेपर हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये फर्स्ट पेपर है, ये क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, फर्स्ट सेकंड छोड़ दीजिए। ये प्राइम फैक्टर्स है, आपको देख लेना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, शो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये है। राइट ए इज इक्वल टू, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। माइनस 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, आपको प्रूव करना है। इसकी वैल्यू क्यू प्लस आर करना है। इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 2x² - 5x + k आर द रेसिप्रोकल ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको करना है। उसी तरह देखिए, ये 6 to the 12, ये मार्क्स छोड़ दीजिए, खाली आपको क्वेश्चन चेक करना है, ये क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दे रखा है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट दे रखा है, ये लॉगरिथम्स का दे रखा है। यहाँ पर अगर सर्च करेंगे तो ये पूरे पेपर सोल्यूशन आपको मिलेंगे, ये आपको देखना है। और थर्ड नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, ग्राफ है, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है यहाँ से, और यहाँ पर लॉगरिथम रियल नंबर का क्वेश्चन है, ये भी रियल नंबर का रेशनल इक्वेशन पक्के याद करना है आपको। ये सेट्स का क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशंस का है। यहाँ पे आपको डिवाइड का आपको मिलेगा पॉलीनोमियल्स, यहाँ से मिलेगा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। ये फर्स्ट पेपर हो गया, और इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पार्ट बी लास्ट टाइम आपके लिए था 5 मार्क्स का, इस बार आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव आपको चेक कर लेना है, कौन से चैप्टर में से किस तरह का ऑब्जेक्टिव दिया है, तो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस, ये ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह देख लेना है आपको, एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह रहेगा ये ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक ये है पेपर सेकंड, लेकिन सिलेबस एज इट इज है आपको, ये आपको दिया गया स्टैटिस्टिक्स से, ये आएगा ट्रिग्नोमेट्री से, ये रहेगा सिमिलर ट्राइंगल से। देखिए क्वेश्चंस किस तरह दिया गया है, यहाँ से दोबारा स्टैटिस्टिक्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखा है, यहाँ से स्टैटिस्टिक का है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, ये भी आपको सिमिलर ट्राइंगल से मिलेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री से मिलेगा, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपको मिलेगा क्वेश्चन। ये लॉन्ग में देखते हैं, ये आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री से, सॉरी ये मिलेगा आपको सिमिलर ट्राइंगल्स से, सिमिलर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, ये मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री, ये मिलेगा सिमिलर ट्राइंगल्स, फिर यहाँ से स्टैटिस्टिक, ये मिलेगा आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये उसके बाद यहाँ पे ये एक स्टैटिस्टिक का है, ओग्योग्राफ है, यहाँ पर मीन आपको लेना है, इस तरह ग्राफ भी आएगा, या यहाँ पर मीन का क्वेश्चन भी दे रखा है, ये भी आएगा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का। मतलब मैं ये अपलोड करने का रीज़न यही है कि ये क्वेश्चंस आप देख लेंगे तो आप अपने आप को एनालाइज करेंगे कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये पार्ट बी है, देखिए पार्ट बी में किस टाइप के क्वेश्चन दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सिमिलर ट्राइंगल्स का, फिर दोबारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स का दिया गया है, यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक का दिया गया है, सिमिलर ट्राइंगल्स का, स्टैटिस्टिक, ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पर दे रखा है आपको सिमिलर ट्राइंगल्स, यहाँ पे दे रखा है स्टैटिस्टिक। मतलब इस तरह आपको एक क्वेश्चन पेपर आएगा, इस बार ये दोनों क्वेश्चंस आपको मिल के आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट।